अब वही कर लेता हूँ कि मत का प्रयोग भारतीय संविधान की भारत के नागरिकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात है। और जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं तो घर से निकलकर आएं और अपने मत का प्रयोग करके अपने पसंद के नेता को चुनें। सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि वो सभी प्रकार से प्रशासन को सहयोग करें। संपूर्ण व्यवस्था बूथों पर बहुत अच्छी की गई है जिससे कि किसी प्रकार को की कठिनाई ना हो मतदाताओं को मत का प्रयोग करने के। सर, ये पिंक बूथ है, इसका क्या कुछ खास मकसद है? पिंक बूथ का खास मकसद ये है कि यह महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है जिसमें समस्त प्रक्रिया महिला मतदान कर्मियों द्वारा की जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश की 50% महिलाएं जिस प्रकार से आगे बढ़कर सभी कार्य कर रही हैं वो मतदान प्रक्रिया में भी एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है। क्या मैसेज होगा सर आपका? मेरा मैसेज यही होगा कि सभी मतदाता आएं और बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। अब वही कर लेता हूँ कि मत का प्रयोग भारतीय संविधान की भारत के नागरिकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात है। और जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं तो घर से निकलकर आएं और अपने मत का प्रयोग करके अपने पसंद के नेता को चुनें। सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि वो सभी प्रकार से प्रशासन को सहयोग करें। संपूर्ण व्यवस्था बूथों पर बहुत अच्छी की गई है जिससे कि किसी प्रकार को की कठिनाई ना हो मतदाताओं को मत का प्रयोग करने के। सर, ये पिंक बूथ है, इसका क्या कुछ खास मकसद है? पिंक बूथ का खास मकसद ये है कि यह महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है जिसमें समस्त प्रक्रिया महिला मतदान कर्मियों द्वारा की जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश की 50% महिलाएं जिस प्रकार से आगे बढ़कर सभी कार्य कर रही हैं वो मतदान प्रक्रिया में भी एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है। क्या मैसेज होगा सर आपका? मेरा मैसेज यही होगा कि सभी मतदाता आएं और बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।